वेल दोस्तों, अगर आप लोग इंडिया के अंदर ओप्पो का रेनो 8 प्रो डिवाइस को यूज़ कर रहे हो तो फाइनली इस डिवाइस के लिए कलर ओएस 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 का लेटेस्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडियन यूजर्स के लिए रोल आउट करने स्टार्ट कर दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे वर्जन की बात करें तो CPS 2357 14.0.0.90EX01 बीटा वर्जन यहाँ पे देखने को मिल गया है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखो इस अपडेट की साइज के बारे में बात करें तो 994.85 MB देखने को मिला है। साइज आप लोगों को यहाँ पे 1 GB के आसपास देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिला है या फिर नहीं। अगर आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को नहीं मिला है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है 5 से 7 डेज का। एंड इसके अलावा आपको सिंपली अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में चले जाना है एंड आपके डिवाइस में जो भी लेटेस्ट वहाँ पे वर्जन देखने को मिलेगा ना उसमें अपने डिवाइस को अपडेटेड कर लेना है। देन इसके बाद ही आपको आपके डिवाइस में कलर ओएस 14 का CPS 2357 14.0.0.90EX01 का बीटा वर्जन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इस अपडेट के बाद अबाउट दिस अपडेट में, दिस अपडेट इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर इस अपडेट के बाद सिस्टम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया एंड फिक्सेस एन इशूज विथ फेस इनरोलमेंट। तो यहाँ पर भाइयों, आपके डिवाइस में इन दिनों जो भी छोटे मोटे बग्स आ रहे थे उसे इस अपडेट के बाद फाइनली फिक्स्ड कर दिया गया। देन इसके बाद आपके डिवाइस के सिस्टम में काफी सारे यहाँ पे फिक्सेस किया गया है, तो आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो। बाकी दोस्तों, इस अपडेट के बाद यहाँ पे और कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी हो तो यहाँ पर एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम तीनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।